हरियाणा जी के चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस चैनल पे हम कक्षा 7वीं के गणित की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि पूरे तरह एनसीईआरटी पे हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा। ये एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। तो 7वीं में पहले अध्याय से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला अध्याय है पूर्णांक। तो देखिए, कक्षा 6 तक हम पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं। तो इस अध्याय को शुरू करें पहले थोड़ा दो चार परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं। जान नहीं और जितनी भी परिभाषाएं जो पढ़े हम आगे आगे करते जाएंगे, आगे आगे अध्याय में बढ़ते जाएंगे और आगे करते जाएंगे। तो तीन चार अंक के बारे में जान लीजिए। पहले हमारी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, ये देखिए, संख्याओं का वह संग्रह जो एक से शुरू होकर, मैं बोलता हूं ऐसे, संख्याओं का वह संग्रह जिसमें संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। अनंत मतलब इन्फिनिट, अनंत तक जाती है, जिनको हम गिन नहीं सकते। अभी तक ये पता ही नहीं लगा कितनी संख्या है, उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा हमारे पास पूर्ण संख्या है, जिसको इंग्लिश में होल नंबर भी कहते हैं, और प्राकृत को इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। देखिए, संख्या को वह संग्रह जो जीरो से शुरू होकर, बस प्राकृत संख्याओं में जीरो और जोड़ दीजिए, जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ठीक है, तो एक और देख लीजिए, पूर्णांक देखिए। पूर्णांक क्या, संख्याओं का वह संग्रह, पूर्ण संख्या, हाँ पूर्ण संख्याओं का, पूर्ण तो हमारी, हाँ पूर्ण नहीं, इस पूर्णांक को आप मान लीजिए एज ए वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होती है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह की आती है। तो वास्तविक संख्याओं का वह संग्रह जिसमें संख्याएं, जिसमें दोनों तरह की संख्याएं धनात्मक ऋणात्मक दोनों तरह की संख्याएं आती हैं। ऋणात्मक होती है जिनको हम इंग्लिश में नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव संख्या। कैसे, एक लाइन पे दिखा देता हूँ, एक संख्या रेखा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये संख्या रेखा है, यहाँ पे जीरो है, और जीरो से दाईं ओर यहाँ पे धनात्मक आती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4। तो इसमें ऋणात्मक भी है, ऋणात्मक होगी बाईं ओर, और ये धनात्मक भी है तो बाईं ओर, दाईं ओर है, सॉरी बाईं ओर। तो इन्हीं के समूह को, इन्हीं के संग्रह को हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, क्या आपको पता है पूर्णांक हमारे आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम, पिछले कक्षा में पढ़ा हुआ आरोही बढ़ता क्रम, जिसमें देखे तीन तीन, इसमें अक्सर एक दो तीन, और उसमें भी चढ़ता हुआ क्रम, तीन इसमें होंगे, एक दो तीन चढ़ता मतलब बढ़ना, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, पाँच, मतलब एक एक इतनी है संख्या, एक अब इतनी होगी, एक इतना है, कोई इतना है, फिर देखिए अंक बढ़ रहे। तो एक पूछे तो हम बताएं कि इसमें यह आरोही क्रम है। ठीक है, तो ये संख्या कैसे है आरोही में, देखिए आरोही में ये सबसे छोटी संख्या, देखिए एक आगे मैं इसी संख्या रेखा के बारे में बहुत से आपको
मुख्य पॉइंट बताऊंगा, मुख्य बिंदु बताऊंगा, वो आप नोट करिए, उससे आपको इस नंबर लाइन के बारे में पता लगेगा। तो एक बार वैसे जान लीजिए, माइनस 400 छोटी है, फिर एक कदम और आगे बढ़ाए तो थोड़ा आगे बढ़े हम। देखिए ऋणात्मक संख्याओं में हम दाईं ओर जाएंगे तो हम आरोही क्रम में जा रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में, और हम बाईं ओर चलेंगे माइनस 4 से माइनस 5 में तो हम अवरोही क्रम में, उतरते क्रम में, मतलब घटते क्रम में, जिस 5 से 4, 4 से 3 ऐसे उतरते क्रम में हम जा रहे हैं। लेकिन ऋणात्मक हम ऋणात्मक में हम अगर दाईं ओर चलते हैं तो हम बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं, जैसे माइनस 4 से फिर माइनस 3, माइनस 3 से माइनस 2, माइनस 3 एक फिर 0 और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम कैसे जा रहे हैं, ये कौन सा क्रम है, ये है हमारा बढ़ता हुआ क्रम, आरोही आरोही क्रम, ये कौन सा है अवरोही, मैंने कहा बाईं ओर जाओगे कौन से क्रम में, अवरोही क्रम, ठीक है जान गए। तो अब देखिए कुछ मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु छोड़िए, एक दो छोटे 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 सवाल करते हैं, उससे आपको पता लगेगा। तो देखिए देखिए आपके गणित में प्रयास कीजिए है, वो हम कर रहे हैं, वो है हमारा पेज नंबर 2 पे, प्रश्न संख्या 2 पे। देखिए एक लाइन दे, संख्या दे, संख्या संख्या रेखा दे दे दी गई है, और उसमें यानी दी गई है इंग्लिश के वर्ड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। तो सी में माइनस 3 दे दिया और डी में माइनस 2, तो कहते हैं इसको पूरा कीजिए। तो मैंने कहा हम अगर दाईं ओर जाएंगे तो बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, माइनस 3 से माइनस 2 बढ़ाए। एक चीज और देख लीजिए, माइनस 3 और माइनस 2 में कौन सा बड़ा है, जो कि दाईं ओर, दाईं ओर कौन सा, ये दाईं ओर ही उस साइड बढ़ रहे हैं, तो ये बढ़, ये इसे बढ़ा है, ठीक है। ये दाईं, ठीक है। तो अब देखिए इसको पूरा करते हैं, तो माइनस 3 से माइनस 2, फिर माइनस 2 से कहाँ जाएंगे माइनस 1, फिर ये कहाँ 0, फिर ये 1, फिर ये 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे और फिर 5 पे, फिर ये माइनस 4 पे और माइनस 5 पे, समझ गए। इसमें संख्या रेखा को हमने पूरा कर दिया, दाईं ओर हम जाएंगे तो बढ़ते हुए क्रम में, और बाईं ओर हम आएंगे तो उतर देता हूँ, ठीक है। तो एक और सवाल है, वो देख लीजिए, शायद अब आपकी पहचान रहो, इतना ही काफ़ी होता है बताने के लिए, सभी क्लास में हमने पढ़ लिया है। तो पूर्णांक हमारे पास 4 7 माइनस 5 माइनस 4 0 और प्लस का 4, ये धनात्मक में 4 और ऋणात्मक में माइनस 4 है। तो बताइए इनको हमने करना है आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में, आरोही बढ़ते क्रम। देखिए मतलब कि बढ़ते क्रम मतलब कि पहले सबसे छोटा लीजिए, सबसे छोटा कौन सा, देखिए मैं आपको मैं संख्या रेखा के अनुसार इस पतन को करवाता हूँ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, पीछे काफ़ी है, यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे माइनस 2, 3, यहाँ पे माइनस 4 और माइनस 5। देखिए मैंने कहा जो ऋणात्मक में है और जो बाईं ओर है वो है सबसे छोटी संख्या, ठीक है, घटता होगा। तो इस
इसको हमने आरोही क्रम में लिखना है, इसको आरोही क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटी लिखेंगे, सबसे छोटी कौन सी, माइनस चार, माइनस पाँच और सात, जीरो चार। को देखिए इस साइड बाई और सबसे पहले कौन सी संख्या है, माइनस पाँच, माइनस पाँच, फिर माइनस चार और फिर उसके बाद जीरो, फिर है चार और फिर है सात। तो आरोही क्रम में सबसे छोटी कौन सी हुई, यहाँ से इस साइड से लगेंगे माइनस पाँच, फिर माइनस चार और फिर जीरो और फिर चार और फिर सात। ये है हमने द्विवीय संख्याओं का आरोही क्रम। समझ गए आप, अब आप आसानी से पहचान। तो ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कुछ संख्या रेखा के बारे में। महत्वपूर्ण बिंदु, संख्या रेखा के बारे में देखिए। पहला ये कि एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक को जब जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। सही बात है। देखिए ये है संख्या रेखा, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे एक दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, यहाँ पे पाँच, यहाँ पे छः। देखिए ये भी मान लीजिए, अगर आपको कोई माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, किसी प्रकार का उदाहरण दे दिया, अगर ऋणात्मक में धनात्मक जोड़ते हैं तो ही बाईं ओर चलना पड़ेगा, आधा ही नहीं हो सकता। तो माइनस चार में अगर मान लीजिए मैंने जोड़ दिया ये धनात्मक को, ये ऋणात्मक में धनात्मक को जोड़ा है तो माइनस चार यहाँ पे और प्लस का पाँच उस साइड जाना पड़ेगा, क्योंकि चढ़ता हुआ क्रम उस साइड है, बढ़ता हुआ क्रम धनात्मक साइड है। तो एक एक दो तीन चार और पाँच, पाँच यहाँ पे आगे होता है तो माइनस चार और प्लस पाँच कितने, प्लस का ही। तो मैं बाईं ओर से कहाँ पे गए, दाईं ओर, ये बात सही है। दूसरा बिंदु है हमारे पास जो बोलते जा रहा हूँ, लिख दिया आपको अपनी कॉपी में, एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। सही बात है। देखिए इसमें पर एक चीज़ और देखिए, अगर दो में भी हम अगर धनात्मक जोड़ते हैं, दो प्लस पाँच कितना है सात, तो भी हम दाईं ओर ही चलते हैं। तो अगला है एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। हाँ देखिए सही बात है, ऋणात्मक को जोड़ा, दो में मैंने माइनस चार को जोड़ा, दो यहाँ पे था, यहाँ माइनस चार, मतलब चार कदम मैं बाईं ओर आया, एक दो तीन और चार, कितना मिला मैं माइनस दो, तो क्या मिला, ऋणात्मक ही मिला और गए किस साइड, बाईं ओर। ठीक है, और देख लीजिए एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। देखिए ये माइनस दो है, माइनस दो में नहीं, ये ले लीजिए माइनस एक, माइनस एक में अगर मैं इसको ऋणात्मक ही घटाता हूँ, नहीं धनात्मक को घटाता हूँ, तो माइनस एक में मैंने घटाया क्या, घटाता किसका हूँ, धनात्मक को, माइनस पाँच को, तो माइनस एक और माइनस पाँच कितने, माइनस छः। तो देखिए माइनस छः, तो यहाँ पे माइनस एक में अगर मैं माइनस पाँच इस साइड चला, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, अगर माइनस एक में मैंने घटाया कितना, छः, तो घटाते हैं तो हम बाईं ओर ही आएंगे। देखिए घटाते हैं, जोड़ते हैं तो उस साइड जाते, जोड़ रहे हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं और घटा रहे हैं तो हम पीछे ही जा रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना, जोड़ रहे हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं और घटा रहे हैं तो पीछे आ रहे हैं, तो घटा रहे हैं तो पीछे आएंगे। तो एक दो तीन चार और पाँच कितना,
माइनस एक से देते हैं, एक दो तीन चार और पाँच, तो पाँच घटाए कितने होना माइनस पाँच, जो कि हम वापस की स्लाइड पर बाई ओर आए मिला ऋणात्मक। तो देखिए इससे हम क्या पता लगा कि अगर हम किसी भी ऋणात्मक में किसी भी दूसरे ऋणात्मक को जोड़ते हैं, नहीं नहीं इसे ही मिला कि अगर किसी भी ऋणात्मक में हमें किसी भी धनात्मक को जोड़ते हैं तो हमें ऋणात्मक ही मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए अगर यहाँ पे माइनस चार और इसमें मैंने घटाया दो को, तो माइनस चार और माइनस दो कितने माइनस छः, तो हमें आखिर मिलेगा क्या ऋणात्मक ही। ठीक है, तो इसमें क्या पता लगा कि एक धनात्मक पूर्णांक को जब हम घटाते हैं तो बाई ओर ही चलते हैं। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक को। ठीक है, अगला है एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो दाई ओर चलते हैं। मान लीजिए हमने माइनस दो है ऋणात्मक, वो इसमें एक ऋणात्मक पूर्णांक को ही घटाया। देखिए नहीं, हाँ देखिए हमारे पास है धनात्मक, सॉरी धनात्मक, उसमें हमने किसको घटाया कि ऋणात्मक को, तो घटाया किसको ऋणात्मक को, तो पाँच, या देखिए यहाँ पे माइनस की गुणा माइनस के साथ होगी, माइनस गुणा माइनस ये होता है प्लस, यह अभी बताने वाले हैं। तो देखिए पहले इसको माइनस पाँच माइनस माइनस प्लस, तो पाँच और दो सात, तो पाँच में जब हम किसी भी ऋणात्मक को घटाते हैं तो हम दाईं ओर ही बढ़ते हैं। एक बार पिछले को फिर से देखिए कि एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। हाँ सही बात है, एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर ही चलते हैं, धनात्मक पूर्णांक को घटाना है, तो दो माइनस चार तो कितना है माइनस दो, तो बाईं ओर का किस साइड और है हम बाईं ओर ही आए। ठीक है, समझ गए ये पहले वाला। तो अगला हमारे ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते तो दाईं ओर चलते ही हो गए। ठीक है, तो हमारे ये चार ही मुख्य बिंदु थे ये बता दिए गए हैं। तो देखिए कुछ छोटे छोटे सवाल हैं उनके बारे में। अगर कुछ भी समझ में आए तो कमेंट करके बताइए। देखिए एक हमारे देखिए जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। हाँ ये बात सही है, जब दो धनात्मक को जोड़ते हैं, एक हमारे पाँच और एक दूसरा धनात्मक है, इसको जोड़ते हैं, ये दोनों धनात्मक हैं तो हमें क्या मिला दस, ये कैसे मिला धनात्मक ही। ठीक है, तो उससे पहले कुछ बिंदु देखिए, जैसे प्लस गुणा माइनस तो ये क्या मिलेगा माइनस। ठीक है, और माइनस गुणा प्लस क्या मिला माइनस, प्लस गुणा प्लस क्या मिला प्लस, और माइनस गुणा माइनस क्या मिला माइनस। ये तो है गुणा के केस में। ठीक है, और जो जोड़ और घटा के केस में थे वो हमने अभी पीछे चार पॉइंट में बता दिए हैं। उसमें क्या था कि माइनस और को माइनस के साथ जोड़ेंगे तो माइनस ही मिलेगा, और इसमें गुणा करेंगे तो
सॉरी माइनस, तो प्लस में लिखो माइनस गुणा माइनस प्लस, ठीक है। तो देखिए पहला इसमें प्रश्न था कि किसी भी धनात्मक दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो तीसरा जो धनात्मक पूर्णांक जो पूर्णांक आए वो धनात्मक ही होगा, सही बात। दूसरा है जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो फिर धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। ये कह रहा है कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, नहीं गलत। कैसे देखिए, जब मैं दो ऋणात्मक है मेरे पास एक है माइनस छः और इसमें जोड़ता हूँ मैं माइनस सात, तो हमें क्या मिला माइनस तेरह। तो ये तो कह रहा था हमें धनात्मक मिलेगा लेकिन हमें तो यहाँ ऋणात्मक मिला, तो गलत हो गया इसका। और देखिए तीसरे नंबर पर, जब एक धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए छः धनात्मक है और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, ठीक है। कैसे देखिए, जब एक एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, नहीं हर बात में गलत है। देखिए जब प्लस का छः लेते हैं और एक ऋणात्मक लेते हैं तो हमें ये कह रहा है धनात्मक लेना ही, हमें तो यहाँ पे ऋणात्मक मिलना है। और एक केस हो गया, देखिए अगर यहाँ पे धनात्मक छः है और इसमें मैंने एक इसको घटाया, नहीं हाँ इसको जोड़ा एक धनात्मक, तो यहाँ कितना मिला हमें दो मिला, ये धनात्मक मिल गया। तो बताइए नहीं होना है सही, तो हर बार ऐसे केस नहीं होते, ठीक है। अब अगला जो है वो है पूर्णांक आठ का योज्य प्रतिलोम माइनस आठ है एवं पूर्णांक माइनस आठ का योज्य प्रतिलोम आठ है। तो देखिए हाँ सही बात है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है पहले ये देखिए, देखिए अगर कोई चीज धनात्मक है, धनात्मक तो उसका योज्य प्रतिलोम में क्या होगा, ये धनात्मक साइन है किसमें बदल जाएगा ऋणात्मक में, तो प्लस आठ का क्या होगा माइनस आठ, प्लस छः का क्या हो जाएगा माइनस छः, ये होता है इसका योज्य प्रतिलोम। और जो ऋणात्मक के हैं वो किसमें बदल जाएंगे धनात्मक में, जैसे माइनस छः है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा प्लस छः, तो इसका ही सही सही बात है। अब आगे है वैकलन के लिए, जिस पूर्णांक को घटाया जाना है उसके योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ देते हैं, अच्छा सही बात है। जैसे वैकलन योग का विपरीत होता है, योग जोड़ना और वैकलन उसमें घटाने को क्या बोलते हैं वैकलन, मैंने बताया अभी। इसलिए जब हम घटाए जाने वाले पूर्णांक के योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ देते हैं तो देखिए उसके उदाहरण, जैसे छप्पन माइनस तिहत्तर, छप्पन माइनस तिहत्तर, ठीक है। और अब देखिए छप्पन और इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा प्लस तिहत्तर, तो छप्पन प्लस तिहत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पे ऋणात्मक मिला और ये यहाँ पे धनात्मक, फिर धनात्मक। तो अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 की। इसमें पहला सवाल है, आप अपनी किताब को मेरे साथ साथ मिलाइए, ठीक है, किताब को साइड में रख के। और अब पहला प्रश्न मैं शुरू करता हूँ कि पहला प्रश्न देवा, किसी विशेष दिन विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया, तो संख्या रेखा मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे जीरो है कुछ, यहाँ पे माइनस पांच है, यहाँ पे माइनस दस है और ये तापमान किसका है लाहौर स्पीति का,
नाउन स्पीकिंग, और ये है स्त्री नंबर का तो देखिए तापमान मैंने संख्या रेखा पर दर्शा दिए हैं, इसमें लाल स्थिति का है, देखिए माइनस दो ये माइनस आठ है ना, माइनस नौ ये माइनस आठ, तो माइनस आठ इसका है और फिर है दो, एक दो, हाँ दो किसका है श्रीनगर का, माइनस दो, माइनस दो श्रीनगर का, पांच है शिमला का और चौदह किसका है ऊटी का, ठीक है, और बाईस किसका है बेंगलोर का। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए अपनी किताब में, पहला प्रश्न है इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों पर तापमान की, तो इस संख्या और रेखा को देखना और आपने लिखना है तापमान, तो राहुल का मैं यहाँ पे ले लिख देता हूँ, श्रीनगर का श्री और शिमला का सी और ऊटी का ऊ और बेंगलोर का बेंगलोर, ठीक है। इसमें दिखा देता हूँ आपको तापमान, ये लाहौल स्पीति का है माइनस आठ, ये इसका माइनस दो, ये पाँच शिमला का और इसका चौदह और इसका बाईस डिग्री सेल्सियस, साठ डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। पहला प्रश्न कितना है ये लिखेंगे आपको ऐसे एक लिस्ट ही बनानी। तो दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, दूसरा है देखिए उपयुक्त स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है, सबसे गर्म कौन सा होगा जो सबसे ज्यादा धनात्मक है वो सबसे गर्म होगा, कौन सा है बाईस बेंगलोर, बेंगलोर तो बाईस, और सबसे ठंडा कौन सा है जो सबसे ज्यादा ऋणात्मक है वो कितना माइनस आठ, उनमें अंतर कितना है माइनस बाईस कितना बाईस और माइनस आठ में अंतर, माइनस और माइनस आठ, या फिर माइनस और माइनस की गुणा हो रही तो कितना क्या हो रहा है प्लस, तो बाईस प्लस आठ, तो दोनों के तापमान में कितना फर्क है 30 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न का, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है, लाहौल स्पीति का कितना माइनस आठ और श्रीनगर का कितना है माइनस दो, तो माइनस दो माइनस और माइनस दो, तो माइनस आठ और प्लस दो कितना है माइनस छ, लेकिन ये माइनस आएगा अगर हम इस साइड से शुरुआत करते हैं ना, इस साइड से शुरुआत, तो इस साइड करते हैं दो माइनस दो माइनस और माइनस आठ, तो माइनस दो और प्लस आठ कितना छह डिग्री तापमान का इनमें अंतर है, ठीक है। बात करते हैं हम चौथे क्वेश्चन का, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है, देखिए देखते हैं, देखिए क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर का तापमान, शिमला का कितना है शिमला का पाँच और श्रीनगर के तापमानों का योग, और श्रीनगर का कितना है माइनस दो, माइनस दो, माइनस दो कितना है, इनका योग कितना है तीन, तीन डिग्री सेल्सियस का योग शिमला के तापमान से कम है, शिमला का कितना है पाँच, हाँ कह सकते हैं सही है, क्योंकि शिमला का कितना है पाँच डिग्री सेल्सियस और इनका योग कितना है माइनस तीन, तो हाँ सही है। अब प्रश्न दो की तरफ बढ़ते हैं, देखिए जल्दी प्रश्न एक पूरा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खासकर हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए देखिए प्रश्न दो, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं, मान लीजिए कोई किसी प्रश्न पूछता है अगर वो प्रश्न सही है तो उसको धनात्मक अंक दिए जाएंगे, और उसका गलत हुआ और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे, और उसका गलत हुआ तो ऋणात्मक देते हैं। यदि पांच प्रश्न है, पांच प्रश्न के एक बंदे ने उत्तर दिए कितने कितने 25, तो उसको 25 मिला मतलब उसका सही होगा, माइनस पाँच मतलब उसका गलत होगा, और माइनस 10 उसका गलत होगा फिर दोबारा से, और 15 उसका सही होगा दोबारा से, और 10 सही होगा दोबारा से, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना है, तो इन सभी को जोड़ दीजिए 25 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 जो भी है ऋणात्मक है इनको ब्रेकेट में लिखें, ठीक है, और प्लस 15 और प्लस 10, तो 25
और प्लस गुणा माइनस माइनस 2500 और माइनस 5 20 20 और प्लस माइनस माइनस 20 और माइनस 10 तो कितना है प्लस का 10 और प्लस 15 और प्लस 10 20 और 15 कितने हो गए 35। तो उसके कुल प्रश्नोत्तर के अंक योग कितना है 35। तो बच्चों एक बात है जी, यहाँ पे इस ब्रैकेट में प्लस का और इस माइनस के साथ गुणा करेंगे, गुणा के केस में प्लस गुणा माइनस मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो प्लस गुणा माइनस क्या आएगा माइनस ही, तो 25 माइनस 5 यहाँ पे खुल के ये आ जाएगा कितना है 20। अब यहाँ पे 20 आ गया, ऐसे ही देखिए प्लस गुणा माइनस कितना है माइनस, तो माइनस 10 यहाँ पे आ गया और अब प्लस है ही 15 और यहाँ पे प्लस 10 है, इन सभी का जोड़ कितना है 20 माइनस 10 10 और 15 10 और 10 20 और 15 35। तो ये ऐसे ही खुल के बाहर आते हैं ऋणात्मक और धनात्मक ये। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 3 देखिए, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, श्रीनगर का कितना था -5 और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री कम हो गया, तो 2 डिग्री कम हुआ तो देखिए वो 2 माइनस देखिए केवल संख्या रेखा पर आएगी जल्दी से 0, 1, 2, 3, 4 और 5 इसी से आपको समझ में आएगा, वरना आप गलत कर बैठोगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7 तो देखिए -5 था शनिवार को, किस दिन सोमवार को -5 और उसमें 2 डिग्री तापमान की गिरावट हो गई, 2 कम हो गए, तो कम वाले की साइड में बाईं ओर तो 1 और 2, तो मंगलवार को कितना हो गया तापमान -7 डिग्री सेल्सियस ठीक है, ये उस साइड नहीं उस साइड नहीं जाए क्योंकि तापमान गिरावट हुई, तो संख्या रेखा के अनुसार हम किस साइड आएंगे बाईं ओर ठीक है। और फिर देखिए मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था वो -7 डिग्री सेल्सियस और बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, अब बढ़ गया तो हम दाई हो जाएंगे, तो इसमें 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो 1, 2, 3 और 4 तो -3 और +4 डिग्री सेल्सियस कितना है -3 डिग्री सेल्सियस, तो बुधवार को तापमान कितना होगा -3 डिग्री सेल्सियस यही इसका आंसर है। तो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर, देखिए एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, देखिए ये पानी है मान लीजिए और यहाँ पे समुद्र तल ये है और इससे 5000 ऊपर इससे 5000 मीटर ऊपर एक हवाई जहाज है ठीक है, एरोप्लेन है यहाँ पे और यहाँ पे एक पनडुब्बी है, वो पानी में वो कितनी है वो समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे है, तो प्रश्न पूछ रहा है पनडुब्बी और हवाई जहाज में कितना अंतर है, तो देखिए पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच ऊर्ध्वाधर लंबवत दूरी कितनी है, ये लंबवत है ये होती है लंबवत और ये हॉरिजॉन्टल ठीक है, तो इसमें लंबवत कितनी होगी इन दोनों को जोड़ दीजिए 5000 और जमा 1200 कितना होगा 6200 मीटर, तो लंबवत दूरी हवाई जहाज और पनडुब्बी कितनी है 1200 मीटर यही इसका आंसर है। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 की ओर, कह रहे मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है, मान लीजिए मोहन का कोई बैंक अकाउंट है उसने 2000 जमा की, तो देखिए किसी चीज़ को जमा करेंगे हमारे पास कोई चीज़ हमें मिलेगी तो हमें उससे फ़ायदा हुआ, मतलब हमारे पास चीज़ों की संख्या बढ़ती है, कोई चीज़ हमारे पास आती है तो उसको हम लेंगे धनात्मक ठीक है,
और अगले दिन इसमें से उन्हें 1642 रुपये निकाल लेता है, तो उन्हें 1642 रुपये निकाल दिए। तो अब उसके पास कितने बचे देख लीजिए, 358। कितने? 358 रुपये। तो अब देखिए, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? यदि खाते से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया गया, निरूपित मतलब कि जो निकाल लेगी उसको नेगेटिव मान लिया गया, मतलब ऋणात्मक, तो जमा को क्या मांगेंगे? धनात्मक। यार वो जमा किया हमारे पास आई है तो उसको धनात्मक बस। तो निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए, तो निकालने के बाद कितनी बचे? 358। तो ये इसका आंसर है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, बात करते हैं अगले वीडियो में बचे हुए 5 प्रश्नों की। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।